नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। गुड मॉर्निंग इंडिया में खबरों का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे और योजना की जमीनी स्थिति की जानकारी भी लेंगे। इस अवसर पर पीएम मोदी स्वामित्व योजना के तहत 1,71,000 लाभार्थियों को ई प्रॉपर्टी कार्ड भी वितरित करेंगे। बता दें, प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। ऐसे में स्वामित्व योजना केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय की ओर से चलाई जा रही है और इस योजना का लक्ष्य ग्रामीण आवासीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को संपत्ति का अधिकार प्रदान करता है। आपको बता दें, स्वामित्व योजना को लेकर पीएमओ की ओर से भी जानकारी दी गई है। पीएमओ ने बताया है कि ये योजना शहरी क्षेत्रों की तरह ग्रामीणों और की ओर से ऋण और अन्य वित्तीय लाभ लेने के लिए वित्तीय संसाधन के रूप में संपत्ति का उपयोग करने का मार्ग प्रशस्त करेगी। ऐसे में पीएमओ के मुताबिक इसका उद्देश्य है नवीनतम सर्वेक्षण और ड्रोन प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय क्षेत्रों का सीमांकन करना है और ऐसे में मध्य प्रदेश के हरदा जिले में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में पीएम मोदी डिजिटल तरीके से शामिल होंगे और दोपहर 12:30 बजे संबोधित भी करेंगे। आपको बता दें, इस मौके पर इस योजना के तहत 19 जिलों के 3,000 गांवों में 1,71,000 लाभार्थियों को ई प्रॉपर्टी कार्ड भी वितरित किए जाएंगे और इस कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान भी अपनी बात रखेंगे। लखीमपुर खीरी को लेकर सियासत का दौर लगातार जारी है और तमाम नेता वहां पहुंचने की होड़ में हैं। अब राहुल गांधी आज वहां पर पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। बता दें, कांग्रेस ने योगी सरकार से राहुल के लखीमपुर खीरी जाने की अनुमति मांगी थी। अब जानकारी मिल रही है कि राज्य सरकार ने राहुल गांधी और उनके 7 प्रतिनिधि मंडल में शामिल लोगों को लखीमपुर खीरी जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। इससे पहले कांग्रेस की ओर से कहा गया था कि राहुल गांधी दौरे पर 5 सदस्य प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। बता दें कि लखीमपुर खीरी में रविवार को किसानों के प्रदर्शन के बीच बवाल हो गया था। इसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और उनके बेटे में को गंभीर उन पर आरोप लगे थे। मामले में 4 किसानों समेत 8 लोगों की जान चली गई थी। साथ ही आपको यह भी बता दें, वहां धारा 144 भी लागू की गई है। ऐसे में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर राहुल गांधी की अगुवाई में लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत मांगी थी। उन्होंने लिखा था कि यूपी और पश्चिम बंगाल के नेताओं को वहां जाने दिया गया, लेकिन कांग्रेस को जाने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है। इससे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक प्रियंका के साथ 10 अन्य लोगों के खिलाफ शांति भंग करने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही जिन लोगों पर केस दर्ज हुआ है उनमें कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा और अजय कुमार लल्लू के नाम भी शामिल हैं। प्रियंका को लखीमपुर खीरी जाते वक्त सीतापुर के हरगांव में हिरासत में लिया गया था और इसके बाद उनकी गिरफ्तारी कर ली गई थी। आपको बता दें, फिलहाल जिस पीएससी गेस्ट हाउस में उन्हें रखा गया है उसे ही उनके लिए अस्थायी जेल घोषित किया गया है। पंजाब के पेंशनरों को बड़ा तोहफा देते हुए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने मंगलवार को 6ठे वेतन आयोग के सिफारिशों के अनुरूप पेंशनरों को संशोधित पेंशन देने का आदेश जारी कर दिया है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग को मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान 3 लाख से ज्यादा पेंशनरों के लिए 1 जुलाई 2021 से 1887 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि के साथ संशोधित पेंशन की अदायगी करने को कहा है। मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता के मुताबिक चन्नी ने संबंध में फाइल पर मंगलवार को हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। आपको बता दें, इस दौरान मुख्यमंत्री ने लिव इन कैशमेंट और मेच्योरिटी समेत सेवा मुक्त लाभ देने की भी मंजूरी दे दी है, जिससे किश्तों में अदायगी करने के पहले ये फैसले की बजाय अब 6ठे वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक 1 जनवरी 2016 से 30 जून 2021 के बीच सेवा मुक्त हुए लगभग 42,600 पेंशनरों को 915 करोड़ रुपए की अदायगी एक बार फिर कर दी जाएगी। सरकारी प्रवक्ता ने बताया है कि इस फैसले से मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान राज्य में खजाने पर कुल 2802 करोड़ रुपये बोझ पड़ेगा। ऐसे में मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं कि पेंशनरों को 1 जुलाई 2021 से संशोधन पेंशन एक बार में ही अदा कर दी जाएगी।
चलिए आगे बढ़ते हुए बात मौसम की कर लेते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया है कि बुधवार यानी कि 6 अक्टूबर आज से उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की शुरुआत हो जाएगी। यूपी में मानसूनी बारिश का सिलसिला भी 20 सप्ताह और एक चलेगा और ऐसे में 14 अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश से इसकी विदाई हो जाएगी। हालांकि मानसून की विदाई की शुरुआत 6 अक्टूबर यानी कि आज से राजस्थान से होने जा रही है। इसके लिए यूपी से विदा होने में एक सप्ताह का समय लगेगा। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मानसून की विदाई के साथ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर आने वाली हवा की जगह भूमध्य सागर से ईरान अफगानिस्तान के मूर्त और शुष्क हवा ले लेगी और ऐसे में अनुमान है कि 15 अक्टूबर से हल्की ठंडी भी पड़ने लगेगी। आईएमजी के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र के वरिष्ठ अधिकारी आर के जिनामनी ने बताया है कि इस बार 1960 के बाद से दक्षिण पश्चिमी मानसून की दूसरी सबसे देरी से वापसी है। 2019 में उत्तर पश्चिम भारत में मानसून की वापसी 9 अक्टूबर को ही शुरू हो गई थी। ऐसे में उत्तर पश्चिम भारत से दक्षिण पश्चिम मॉनसून की वापसी आमतौर पर 17 सितंबर से हो जाती है, लेकिन इस बार ये लेट शुरू हुई है और आज से मॉनसून की वापसी हो रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से भारत बायोटेक के कोरोना रोधी टीके कोवैक्सीन के लिए आपात उपयोग सूचीबद्ध दर्जा मंजूर करने के बारे में अगले सप्ताह अंतिम फैसला किया जाएगा। उस मंगलवार को ये बात कही है और इस वैश्विक स्वास्थ्य निकाय ने ट्वीट किया। WHO और विशेषज्ञों का एक स्वतंत्र समूह इस बात को लेकर जोखिम मूल्यांकन करने और अंतिम फैसला करने के लिए अगले सप्ताह बैठक करने की क्या करेगा कि क्या कोवैक्सीन के लिए आपात उपयोग सूचीबद्धता की मंजूर दी जाए। ऐसे में आपको बता दें कि WHO की रणनीतिक और ऐसे में टीकाकरण विशेषज्ञ दल परामर्श ने बताया है कि अपनी सिफारिशें देने और अन्य विषयों पर चर्चा करने के लिए मंगलवार को बैठक की गई थी, जिसमें WHO ने अपने ट्वीट में कहा कि कोवैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक लगातार WHO को आंकड़े सौंप रही है और WHO के अनुरोध पर 27 सितंबर को उसने अतिरिक्त सूचनाएं भी सौंपी। ऐसे में WHO के विशेषज्ञ फिलहाल इस सूचना की समीक्षा कर रहे हैं और यदि वो सभी चिंताओं का हल करते हैं तो WHO मूल्यांकन अगले सप्ताह अंतिम रूप से हो जाएगा, जिसके बाद ये फैसला कर लिया जाएगा कि विश्व स्तर पर क्या आपातकालीन इमरजेंसी के लिए कोवैक्सीन को मंजूरी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। नवरात्र और दशहरे जैसे त्योहारों को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इसके तहत अब कॉलोनी या सोसाइटी में तो गरबे हो सकेंगे, लेकिन बड़े स्तर पर गरबा आयोजन पर प्रतिबंध जारी रहेगा। आपको बता दें इसके अलावा राज्य सरकार की गाइडलाइंस में रावण दहन को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही मंगलवार को कैबिनेट बैठक के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने दुर्गा पूजा और दशहरे के मद्देनजर गाइडलाइंस तय कर दी हैं। इसमें दुर्गा प्रतिमा चल समारोह, गरबे, डीजे बैंड और रावण दहन के आयोजन को लेकर दिशा निर्देश नए जारी किए जा रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कॉलोनियों और सोसाइटी में बने पंडालों में गरबा हो सकेगा, लेकिन कमर्शियल गरबा नहीं होगा और गरबा रात 10 बजे तक ही हो सकेगा। साथ ही सभी पंडालों में डीजे बैंड बजाने की इजाजत रहेगी। हालांकि दुर्गा प्रतिमा के स्थापना या विसर्जन के समय चल समारोह और विसर्जन जुलूस पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा दशहरे पर रावण दहन को लेकर भी सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इसके तहत आपको बता दें कॉलोनियों और सोसाइटियों में रावण के पुतलों का दहन हो सकेगा, लेकिन यदि बड़े स्थान पर रावण दहन किया जाएगा तो उसके लिए दर्शकों की संख्या को देखते हुए प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। साथ ही गृह मंत्री के मुताबिक 15 अक्टूबर से सभी कोचिंग संस्थान भी 100% क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। इसके लिए कैबिनेट में भी सहमति दी जा चुकी है। आपको बता दें कि शादी समारोह और अंतिम संस्कार में 200 लोग अब शामिल हो सकेंगे।
पूरे देश में 7 तारीख यानी कल से नवरात्रों की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन सालों से नवरात्रि के गरबा को लेकर पूरी दुनिया में गुजरात जाना जाता है। नवरात्रि आने के 3 महीने पहले से ही गुजरात में गरबा खेलने की नई नई स्टाइल सीखे जाते हैं और लोगों में काफ़ी उत्साह भी देखने के लिए मिलता है। साथ ही ये गरबा 9 दिन तक खेला जाता है, लेकिन पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा है, इसीलिए सरकारों की गाइडलाइंस के हिसाब से गरबा का आयोजन किया जाता है और गुजरात वाले गरबा ना खेलें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। गुजरात में भी गुजरात सरकार की ओर से शहरी गरबों का रात को 12 बजे तक ही गरबा खेलने के लिए अनुमति दी गई है और इसीलिए गुजरात के लोगों में काफ़ी उत्साह है। लोग वापस गरबा प्रैक्टिस में जुट गए हैं और ऐसे में मार्केट में भी अब नवरात्र को देख कर भीड़ उमड़ने लगी है। लोग अपने चेहरों पर मास्क साथ लगाकर वहां पर नवरात्रों की खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की गुजरात की टीम ने गरबा क्लासेस और मार्केट में जाकर लोगों की व्यथा को जानने की कोशिश की, आप भी देखिए। जी हां, मैं प्रणोशी राजपूत और आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। और अभी फिलहाल जो मैं गरबा क्लासेस जहाँ पे चल रहा है वहाँ की प्रैक्टिस वहाँ पे चल रही है और काफी यंग जो बच्चे हैं यहाँ पे गरबा की प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मैंने अभी फिलहाल आपको एक वीडियो दिखाया था, उसमें काफी ट्रेडिशनल पहन के जो बच्चे लोग जो यहाँ पे गरबा की प्रैक्टिस कर रहे थे वो मेरे साथ अभी जुड़ गए। और काफी जो अभी कोरोना काल के बाद 2 साल कोरोना में गरबा खेलने को नहीं मिला था गुजरात वासियों को, और काफी उत्साह है क्योंकि लेकिन गुजरात सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से इस वक्त भी जो क्लब्स है और जो पार्टी प्लॉट्स वगैरह में उनको एंट्री नहीं मिलेगी क्योंकि वहां पे प्रतिबंध है। और दूसरी बात है कि जो गरबा खेला जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ शहरियों में और जो सोसाइटियों में ये गरबा का आयोजन किया गया है, और उनके साथ जो अभी बच्चे जो उत्साह के साथ यहाँ पे गरबा की प्रैक्टिस कर रहे थे और मेरे साथ काफी लोग जुड़ गए जो यंग, आपका नाम बताएंगे पहले क्या कहना चाहेंगे 2 साल के बाद आज पहली बार अभी 2 दिन के बाद नवरात्रि स्टार्ट हो रही है और आप लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हो उत्साह के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे, क्या आनंद उत्साह है आपके मन में और ये प्रैक्टिस के साथ आप क्या जहाँ पे सोसाइटी में आप गरबा खेलने वाले हो किस प्रकार से गरबा खेलेंगे? इधर बहुत टाइम से लॉकडाउन में और सब था, कोरोना था, इसके लिए हम गरबा कर नहीं सकते थे, पर इस बार हमको मौका मिला है इंस्टीट्यूट में कि हम लोग गरबा भी कर सकते हैं। लास्ट 1 वीक से हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं और आगे भी अच्छा लग रहा है कि हम बहुत कुछ सीख चुके, लास्ट 2 साल से तो कुछ कर नहीं पाए थे, अब लगता है कि हम सोसाइटी और वहाँ पे भी हम अच्छे से गरबा कर सकेंगे। पहली बात तो बताओ कि जब पार्टी प्लॉट में जाते हो आप क्लबों में जाते हो तो काफी संख्या में लोग मिलते हैं, काफी अलग अलग वेराइटी से अलग अलग स्टाइल से लोग गरबा खेलते हैं, डिफरेंट स्टाइल से लोग गरबा खेलते हैं, हजारों की संख्या में लोग होते हैं, लेकिन जो शहरी गरबा होता है जो सोसाइटी में गरबा होता है उनमें सिर्फ जिने चुने 200 लोग 300 लोग होते हैं, तो क्या वहाँ गरबा खेलने में मजा आता है या पार्टी प्लॉट या क्लबों में गरबा खेलने का मजा आता है? वैसे तो पार्टी प्लॉट और सब फ्रेंड्स के साथ जाते थे तो उनके साथ तो मजा आता था, लेकिन इस बार ये लॉकडाउन और सब था और अब क्या मौका मिलेगा कि फ्रेंड्स तो है ही और साथ में फैमिली के साथ भी हम गरबा कर सकेंगे सोसाइटी के अंदर, इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फैमिली के साथ आप गरबा खेलने का लुत्फ उठाएंगे और मेरे साथ जुड़ गई, आपका नाम बताएंगे क्या है? मानसी रत्नोत्तम। मानसी, क्या कहना चाहेंगे 2 साल के बाद फिर से आप गरबा खेलने जा रहे हो? बहुत अच्छा लग रहा है, 2 साल से हम लोग कोरोना की गाइडलाइन की वजह से घर में थे तो अभी 2 साल के बाद हमें मौका मिल रहा है, बट कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए हम सब गरबा खेलेंगे और बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग लास्ट वीक से हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बहुत रिफ्रेशमेंट हो जाता है गरबा खेलने के बाद। प्रैक्टिस की बात लेके जाए तो प्रैक्टिस कर रहे हो आप गरबा क्लासेस में, क्या 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 थियरी है, कौन से गरबा है उनका नाम होगा ना? हाँ, हम लोगों ने पहले सिंपल नॉर्मल जो स्टेप होते हैं वहाँ से स्टार्ट किया था, फिर कृष्णा, बॉम्बे, पायल, बच्चन, ऐसे बहुत सारे स्टेप हमें सिखाए उन्होंने। अच्छा, बच्चन का भी आ गया स्टेप इसमें? हाँ, आ गया। बरगद वाली मार्केट में आया हूँ और जो गर्ल्स वगैरह के जो आभूषण होते हैं, जो ऑर्नामेंट्स है, जिस प्रकार से मंगलसूत्र है वगैरह, जो अलग अलग जो चीजें हैं यहाँ पे उपलब्ध है और काफी कम दामों में यहाँ पे मिलती है, और काफी जो कोरोना के बाद जो जनता है उमड़ भेर यहाँ पे निकल चुकी है और काफी संख्या में लोग यहाँ पे खरीदी करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं कैमरामैन को दिखाना चाहूंगा कि मेरे पीछे आए, और जिस प्रकार से जो अभी दीपावली है, दीपावली भी आ रही है, नवरात्रा स्टार्ट हो रहे हैं, उनके बाद दीपावली आएगी, दीपावली का जो त्यौहार है उनके जो फटाके है वगैरह जो है वो भी यहाँ पे बिकने के लिए शुरू हो गए, और काफी संख्या में यहाँ पे जो गर्ल्स जो लेडीज
आइटम्स है वो भी मिलती है और लोग काफी उमड़ उमड़ के यहाँ पे जो गुजरात की हरे घरे कोने से यहाँ पे लोग आते हैं और काफी संख्या में लोग अभी कोरोना को भूल कर यहाँ पे अच्छी तरह से लोग हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं और काफी जो जनता में जो उत्साह है उत्साह के साथ यहाँ पे लोग खरीदी करते हुए नजर आ रहे हैं काफी संख्या में। यहाँ पे जो ये मार्केट की एक खूबी है कि यहाँ पे जो हर एक चीज यहाँ पे उपलब्ध होती है और काफी जो यहाँ पे वॉच ले लो या छोटे बच्चे का शूज ले लो या कपड़े ले लो रेडीमेड गारमेंट भी यहाँ पे उपलब्ध रहते हैं और काफी लोग जो ऑर्नामेंट्स होते हैं जो लेडीज के ऑर्नामेंट्स अभी नवरात्र स्टार्ट हो रहे हैं नवरात्र में जो जो गर्ल्स है वो ऑर्नामेंट्स पहन के गरबा खेलती है वो ऑर्नामेंट्स भी मैं आपको दिखाऊंगा कैमरामैन को दिखाया कि जिस प्रकार से ऑर्नामेंट्स खरीदने के लिए भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं और काफी लोग उत्साह में है क्योंकि दो साल से जो कोरोना काल चल रहा था और कोरोना के बीच लोगों को जो परेशानियों और दिक्कतों का सामना करना पड़ता था वो अभी फिलहाल यहाँ से हट चुका है और काफी जो उत्साह के साथ लोग यहाँ पे खरीदी करते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि जो कोरोना गाइडलाइन है काफी हद से सरकार ने हटा ली गई है और जो मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन जो किया जाता था वो लगातार होता जा रहा है लेकिन मार्केट में अच्छी तरह से लोग उमड़ कर और उत्साह के साथ जो यहाँ के जो बिजनेसमैन है जो छोटे छोटे रोजगार वाले है वो भी उत्साह ही है क्योंकि जो यहाँ पे जो पब्लिक पहले आती थी वो पब्लिक यहाँ पे नहीं आती थी। अभी फिलहाल जो कोरोना गाइडलाइन हट चुकी है और लोग काफी संख्या में लोग यहाँ पे आ रहे हैं और काफी उत्साह में लोग यहाँ पे खरीदी करते हुए नजर आ रहे हैं और काफी ये जो मार्केट है बहुत लंबा है और काफी विस्तार में फैला हुआ है और लोग यहाँ पे हर एक चीज ये छोटी सी छोटी छोटी चीज होती है यहाँ पे उपलब्ध रहती है छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्गों के लिए जो मैरिज की जो जो खरीदी होती है जो हर एक त्योहारों की जो खरीदी होती है वो यहाँ पे गुजरात के कोने कोने से लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ जो ये जो मार्केट है वो भद्रकाली मार्केट के नाम से पहचाना जाता है। यहाँ पर जो आम जनता है वो मेरे पास जुड़ गए हैं और क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से भद्रकाली माता का मंदिर यहाँ पे आया हुआ है भद्रकाली मार्केट है लोग यहाँ पे हर एक गुजरात के कोने कोने से खरीदी करने के लिए आते हैं। आप भी खरीदी करने आए हुए हैं क्या उत्साह है क्योंकि कोरोना की गाइडलाइन भी हट चुकी है और काफी उत्साह के साथ लोग यहाँ पे खरीदी करते हुए नजर आ रहे हैं। आप भी खरीदी करने आए क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे कि कोरोना वायरस की वजह से लोग काफी उत्साहित भी खरीदने के लिए सामान पर साथ में ये गाइडलाइंस के ध्यान भी देखा जा रहा है। तो अभी फिलहाल हट चुका है नवरात्रा आ रहा है काफी लोग उत्साह के साथ यहाँ पे खरीदी करने आ रहे हैं। आप भी आए हुए हैं आपको क्या उत्साह महसूस हो रहा है क्योंकि आप भी आए हुए हैं? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जो जो पाबंदियां थी वो हट चुकी है कहीं ना कहीं काफी हद तक हट चुकी है तो आप उत्साह से अभी खरीदी कर रहे हो। हाँ नवरात्रि की क्या तैयारी है? नवरात्रि की बहुत अच्छे से तैयारी चल रही है। क्या क्या कहना चाहेगी बेटा सामने बोल के मेरे के साथ? नवरात्रि की तैयारी बहुत अच्छी है। नहीं नहीं नवरात्रि की क्या कहेगी? गरबा खेलने जाने वाली हो क्या? कहाँ पे जाएगी गरबा खेलने? घर पे? क्या आंटी जी आप भी बुजुर्ग है माँ के दरबार में आए हुए हैं भद्रकाली माँ यहाँ पे विराजमान है पीछे बहुचर जी माता जी विराजमान है आप खरीदी करने आए क्या कहने? दर्शन करने आए माता जी का हमको बहुत आस्था है माता जी के ऊपर दर्शन करने आए साथ में कोरोना है तो कोरोना की हम गाइडलाइन भी पालन कर रहे हैं। गाइडलाइन का पालन तो कर ही रहे हो क्योंकि अभी तो काफी हट चुका है कोरोना की गाइडलाइंस भी लोग उत्साह के साथ खरीदी कर रहे हैं तो उनके बारे में क्या कहने जो उत्साह दिख रहा है जो सब अच्छी तरह से मनापन को काफी संख्या में लोग जो लेडीज है गर्ल्स है छोटे बच्चे हैं बुजुर्ग है वो लोग यहाँ पे करते हुए नजर
दिखाई दे रहे हैं और काफी संख्या में, क्योंकि ये जो मार्केट है वो मार्केट है, उनको पहचाना जाता है क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज, हर एक रेडीमेड गारमेंट का जो कपड़े है, जो छोटे बच्चे के कपड़े है, जो ऑर्नामेंट है, जो ब्यूटी, जो लेडीज लोग को जरूरियात है, वो सभी चीज यहाँ पे उपलब्ध रहती है। हर एक चीज छोटे से छोटे और बड़े से बड़े लोगों का यहाँ पर जो चीज लोग गुजरात के कोने कोने से लेने के लिए यहाँ पे आते हैं और काफी संख्या में यहाँ पर उम्र यहाँ पे खरीदी करते हुए नजर आ रहे हैं। काफी संख्या में लोग उत्साह के साथ, क्योंकि कोरोना चल रहा था तो कोरोना की गाइडलाइनों का यहाँ पे जो दिक्कतों का सामना वो लोग जो जनता को करना पड़ता था, लेकिन कोरोना कहीं ना कहीं अभी विदाई लेता हुआ नजर आ रहा है। लोग काफी उत्साह में जो खरीदी करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं और काफी उत्साह के साथ लोग या मैरिज फंक्शन हो या नवरात्रा हो या दीपावली की खरीदी करने के लिए लोग यहाँ पे उमड़ भर यहाँ पे हाजिर है। मैं प्रणव सिंह राजपूत, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, गुजरात। आजादी के 75 साल के मौके पर अमृत महोत्सव पर अमेठी के जवाहर नवोदय विद्यालय में पंचायती राज और युवा कल्याण विभाग द्वारा आजादी अमृत महोत्सव पर स्वच्छ भारत अभियान पर संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में खेल, युवा कल्याण और पंचायती राज मंत्री उपेंद्र तिवारी ने लोगों को स्वच्छ भारत अभियान की गोष्ठी को संबोधित करते हुए बताया कि हम लोग भारत को स्वच्छ बनाने की मुहिम चलाकर स्वच्छता अभियान की शुरुआत कर रहे हैं और इसके लिए राज्य मंत्री ने जवाहर नवोदय विद्यालय में खुद साफ सफाई की, साथ ही वहां पर मौजूद जिला पंचायत ग्राम प्रधानों के साथ अधिकारियों को स्वच्छता को लेकर शपथ भी दिलाई। साथ ही मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पंचायतों को मजबूत करने के लिए आज जितनी भी योजनाएं हैं वो पंचायतों को ही दी जा रही हैं। आज पंचायतें मजबूत हुई हैं और हम लोग आजादी का अमृत महोत्सव इसलिए मना रहे हैं ताकि गांधी जी ने जो सपना देखा था स्वच्छता का, वो मिल सके और प्लास्टिक मुक्त हो सके और जिंदगी मुक्त भारत बने, यही हम लोगों का प्रयास है। देखिए, ग्राम पंचायत को मजबूत करने के लिए खुद ही जब से देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी बने हैं तब से ग्राम स्वराज का सपना जो बापू ने देखा था, जो स्वच्छता अभियान का सपना देखा था, उन दोनों को मजबूत करने के लिए आज पंचायत की व्यवस्था बहुत मजबूत हुई और सीधे भारत सरकार से लेकर राज्य सरकार की जितनी मैक्सिमम योजना है वो ग्राम पंचायतों तक की जा रही है और इसलिए आज ग्राम पंचायत मजबूत हुई है और इसीलिए अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है कि हमारे आपके पूर्वजों ने अपने शहादत देकर के बलिदान दिया, लेकिन हम लोग अमेठी की जनता से और प्रदेश की जनता से योगदान मांगने के लिए हर एक व्यक्ति थोड़ा थोड़ा समय देकर के योगदान दे ताकि जो महात्मा गांधी जी ने सपना देखा था स्वच्छता का, वो स्वच्छता से नहीं मिल सके, प्लास्टिक मुक्त भारत बने, गंदगी मुक्त भारत बने और इसी दिशा में सरकार करते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल किसान नौजवान पटेल यात्रा को लेकर अभी तक 150 से ज्यादा विधानसभाओं की यात्रा कर चुके हैं। इसके अलावा अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में वहां के लोगों से मिलकर जमीनी हकीकत भी जानी उन्होंने, साथ ही अपने कार्यकर्ताओं से मिलकर उन्होंने लोगों के प्रति मिलने जुड़ने को लेकर और आपस में एकजुटता बनाकर समाजवादी पार्टी की सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुँचाने का काम किया है। बता दें, भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट पहुंचने पर सपा प्रदेश अध्यक्ष का अलग ही अंदाज में स्वागत किया गया और ऐसे में उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। साथ ही समाजवादी पार्टी के लगभग 100 से ज्यादा लोगों ने चित्रकूट के बॉर्डर पर उनका स्वागत किया और फूल माला पहनाकर एक समाज में जनादेश देकर बाकी सभी पार्टियों की खुश शुरुआत की। इसके बाद चित्रकूट के रैपुरा में सरदार पटेल इंटर कॉलेज पहुंचे सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों आपस में छोटी और बड़ी बहनें हैं और इनका काम ही है कि मजदूरों और बेरोजगारों पर फूट डालना और देश पर राज करना। और इतना ही नहीं, उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि अडानी के बंदरगाह पर ड्रग्स पकड़ी गई तो उस पर सरकार की नजर नहीं पड़ी, ना ही पुलिस की नजर पड़ी, लेकिन शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान पर जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है उस तरह से लगता है कि सरकार को अडानी के बंदरगाह पर जो ड्रग्स मिले थे वो नहीं दिख रही है। गुड मॉर्निंग इंडिया में बस इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।